नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ और बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन दिखाता हूँ, तो ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ये सब जो जैसे एनालिसिस करता हूँ और जो स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ इसका आप लोग को सब स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, तो ये सब वीडियोस आप लोग जरूर देखिए, इसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी मेरा और जो कुछ भी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है वो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो वीडियो पेज पे आके सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जा सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है। मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी अटेंड कर सकता है, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। और एंजल ब्रोकिंग आस्था ट्रेड एलिस भी स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो देखिए, मैंने पहले निफ्टी को एनालिसिस करता हूँ, तो निफ्टी का देखिए कल जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ठीक है, और सप्लाई डिमांड जोन आप लोगों को दिखाया था, मतलब जो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का टाइम, तो वही मैंने इधर वही है, ठीक है। तो इधर से आप लोग को दिखाता हूँ, डेली चार्ट में पहले दिखाता हूँ, डेली चार्ट देख लेना बहुत ही वाइटल है। तो डेली चार्ट में पहले आप लोग को दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो इधर देखिए, आज भी एक गैप अप ओपन दिया है, ये ग्लोबल मार्केट का वजह से, मतलब SGX निफ्टी चल रहा है 19,129, इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है 15,235 और 15,000 के नीचे इसका सपोर्ट रहा है, ठीक है। और निफ्टी देखिए 15,093 के ऊपर ये फिर से ऊपर जाएगा, ये गैप अप ओपन दिया है, लेकिन इसका स्विंग हाई अभी तक इसका क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। पहले जो हाई था 15,176, इसका जो इमीडिएट स्विंग हाई है, तो अभी तक निफ्टी देखिए ये लोअर, मतलब लोअर हाई बना के चल रहा है, ठीक है। और इधर से इसका 15,093 इसका नेक्स्ट 15,094 इसका है, ठीक है। इसका ऊपर ये जा सकता है 15,128 और 15,184, ठीक है। और नीचे इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका 15,000 का इसका सपोर्ट है, 15,000 का नीचे ये इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और बैंक निफ्टी 15,000 के नीचे सेल करेगा तो का ये जो, और बैंक निफ्टी का जो देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक दिखा रहा है। अच्छा, निफ्टी का जो और भी जो चीज़ दिखाने का था, ये डेली चार्ट में अभी तक इसका RSI 60 का ऊपर नहीं गया, ठीक है। RSI इसका 60 का ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। मतलब ये अभी भी इसका मतलब साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये देखिए ये 60 का ऊपर अभी तक नहीं गया, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो है ये एक मिनट, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, तो इसका जो बैंक निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का जो है 34,250 के ऊपर, 250 के ऊपर ऊपर जाएगा, और 34,647 और नीचे इसका जो मेन सपोर्ट है 35,618 का नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। तो डेली चार्ट में भी मतलब 15 मिनट का चार्ट में भी मैंने देख लेता हूँ एक बार कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट सूटेबल रहेगा। 15 मिनट का चार्ट में एक बार देख लेता हूँ, 15 मिनट का चार्ट में इसका जो दिखा रहा है, 15 मिनट का चार्ट में इधर 15 मिनट का चार्ट में RSI का पोजीशन कुछ ओवर, मतलब 76 है, मतलब RSI में स्ट्रेंथ है, ओवरबॉट नहीं किया जा सकता, 80 का ऊपर जब जाएगा तो इसको ओवरबॉट किया जा सकता है। देखिए निफ्टी फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, निफ्टी फिर से ऊपर जा रहा है, और इधर से जो है इधर से
जो दिख रहा है 15,093 के ऊपर, ये ऊपर जाने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। इसका 15,120 तक ये फिर से जा सकता है। इसका हाई, आज का हाई जो था 15,090, इसका ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो इधर से ये 15,120 तक ये जा सकता है, और इधर से बैंक निफ्टी का जो इसका इमीडिएट इकोनॉमिक का चार्ट में क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है एक बार देख लेते हैं। ये ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर है, 15,976 से ये ऊपर जा रहा है, तो सॉरी 35,987 से ऊपर जा रहा है, तो ये 34,041 इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है, 34,000 नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और निफ्टी का जो है, निफ्टी का जो नीचे का लेवल हमें इधर इसका 15,041 का नीचे, इसका नीचे ट्रेड ले सकता है, 15,000 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और मैंने स्टॉक का भी देखा था, वो मारुति का देखिए, मारुति का देखिए आज वीक हो गया है, 101 पॉइंट का नेगेटिव भी चल रहा है। मारुति अपसाइड में कल गया था लेकिन आज सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे का है। तो इधर से 15,000 सॉरी 7,109 के नीचे ये नीचे जाएगा, 7,109 के नीचे इसका जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है 7,186, इसका नीचे 7,070, ठीक है। इसका नीचे 7,070, 7,070 का नीचे इसका जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है 7,057, इसका नीचे 7,033। अच्छा, और अप साइड में जाने के लिए इसको 7,148, 154 के ऊपर फिर से ये अप साइड में जा सकता है, अप साइड में इसे इसका मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, HDFC बैंक को एक बार देख लेते हैं, HDFC बैंक क्या बोल रहा है। HDFC बैंक देखिए 15,078 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और 15,062 का नीचे ये नीचे जाएगा, ठीक है। और इंडसइंड बैंक 1,085 के ऊपर ऊपर जाएगा और 1,078 के नीचे नीचे जाएगा, आप लोगों को क्लियर दिखेगा इसमें। देखिए मारुति थोड़ा सा नीचे ट्रेड आ रहा है, मैंने एक्चुअली मारुति का एक छोटा सा लगा के रखा है इधर, ये जो पुट है 6,000 का पुट मैंने लिया था 1775 में, मैंने स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा सेव करता हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट रजिस्टर की कर रहा है, ठीक है। तो इधर से इसका 7,105 में आया है, तो इसमें मैंने लगा के रखा है। और इधर सॉरी अच्छा जो दिखा रहा था 623 ICICI बैंक का देखते हैं, मैंने जस्ट आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करते रहिए। तो इधर से देखिए, इधर से 625 के ऊपर ICICI बैंक 625 के ऊपर ऊपर जाएगा, और नीचे 619 के नीचे ये नीचे जाएगा। और रिलायंस को देखना बहुत ही वाइटल है, तो निफ्टी टॉप 10 के अंदर जो स्टॉक्स है उसको मतलब आज सभी इसका पॉजिटिव दिख रहा है। तो एनीवे, तो रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस कुछ अपसाइड में आज चला है, लेकिन इसका जो एक्चुअली 2125 के ऊपर इसका ऊपर जाएगा और 2109 के नीचे ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही वाइटल होता है, इसको ऑब्जर्व करके रखना बहुत ही वाइटल है। तो इधर से 15,000 एक्चुअली ये SGX निफ्टी जो है, SGX निफ्टी का एक SGX निफ्टी अपसाइड में जा रहा है, इसका जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है 15,117 का नीचे, 15,117 या 15,078 के नीचे ये नीचे आ सकता है। और इधर से इसका 15,156 तोड़ेगा तो ये अपसाइड जा सकता है, 15,195 तक तो जा सकता है, 15,195 तोड़ देगा तो ये बहुत अप जा सकता है, 15,234 तक चला जाएगा, ठीक है। तो 15,156 इसके बाद 15,195 का लेवल इसका बहुत ही वाइटल है, और नीचे 15,078 का नीचे
इसका मतलब 1978 का नीचे इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। और भी चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, इधर क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली बीट प्राइस में निकलेगा ये 1695 में नहीं निकलेगा, मतलब 50 पैसा सोच लीजिए नीचे ही है, ठीक है। 50 पैसा सोच लीजिए नीचे ही दिख रहा है। तो और इसका एक्चुअली ऑर्डर इधर से जो दिख रहा है एक ठीक नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जो इसका ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर हुआ है 1575 में, ठीक है। तो देखते हैं इधर से 1 पॉइंट का बिट प्राइस आसपास का डिफरेंस है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इधर से ये जो 17.5 इसका जो मतलब दिखा रहा है इसमें नहीं निकलेगा, तो इसको एट पर आने के लिए इसका मारुति को और भी नीचे और भी कुछ टाइम सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब ये जो नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है, नीचे का जो स्विंग मारा है, स्विंग लो जो मारा है, तो इसका और भी कुछ टाइम सस्टेन करेगा तो इसका तो ये एट पर आ सकता है। एनीवे देखते हैं। और इधर से आप लोग इसको जो बोला है इसको ऑब्जर्व कीजिए, मैंने आप लोग को साथ हूँ, मतलब इसके थोड़ा सा पॉज कर लूँगा, इसके बाद मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा, कुछ डेवलप करेंगे तो फिर से आप लोग को दिखाऊंगा। जिधर जिधर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया जैसे बात है। अच्छा, और एक चीज़ देखना है कि इसका जो है ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं, मतलब कैसे, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरा है, कैसे एनालिसिस करता हूँ, क्या क्या चीज़ मैंने ऑब्जर्व करता हूँ, और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट RSI ये सब देखता हूँ, वही आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन डाटा भी एनालिसिस करता हूँ। ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस करता हूँ, अच्छा इसका जो है ऑप्शन चेन देखिए, एक के ऊपर PCR ratio एक के ऊपर गया है, PCR ratio है एक के ऊपर 15200 का ऊपर, 15200 में रेजिस्टेंस है, ठीक है। कॉल साइड में इसका लॉन्ग बिल्डअप और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, और 15000 में सपोर्ट दिख रहा है, और इधर से लॉन्ग हो रहा है कॉल साइड में, और इसका IV कॉल साइड का IV थोड़ा सा गिरा हुआ है लगता है, IV ठीक है, IV गिरा है, तो यही एक है कि इसका नीचे जाने का यही एक चांसेस रहता है, नहीं तो इसका अपसाइड में इसका ट्रेंड रहता है, ठीक है। अच्छा, और भी एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें आप लोग को, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का टाइम भी आप लोगों को दिखाता हूँ। कहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसको आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को भी सुविधा होगा, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो आप लोग को काम पे सुविधा होगा। तो इधर से देखिए फ्यूचर्स का जो है, फ्यूचर्स का जो बिल्डअप है, फ्यूचर का बिल्डअप है, फ्यूचर का बिल्डअप जो दिखा रहा है, ये लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, और अच्छा इधर से 1569 में इसका 1569 और 1500 में इसका सपोर्ट बना है, इसमें मैक्सिमम पेन है। और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी 35,839 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, मारुति को जो मैंने लिया था स्टॉक ऑप्शन में, मैंने पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी कम रहता है, मंथली सीरीज ले सकता है, और
और इधर देखिए 7000 और 7076 में इसका मतलब मैक्सिमम पेन है, तो इसका इस मतलब इसका आता है आ सकता है इसका सपोर्ट, इसका सपोर्ट मिलेगा, इसका नीचे जाएगा तो ये नीचे जा सकता है। देखिए फिर से ये अप साइड में गया है और निफ्टी मैंने बोला था 1593 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो वो दिखा रहा है निफ्टी। निफ्टी 1593 के ऊपर थोड़ा सा अपसाइड में दिख रहा है, 1105 गया है, 120 तक ये जा सकता है, 1120 तक जा सकता है। मारुति 7113 ये नीचे का रेंज में ट्रेड कर रहा है, 7148 के ऊपर ही ये ऊपर जा सकता है। मैंने जब 7122 था तो अभी इसका लिया है, तो अभी ये चल रहा है 7112 चल रहा है, तो देखना पड़ेगा। ये वीक हो गया है तो इसीलिए इसको मैंने चुना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका। मारुति इसका मतलब जो पहले जो स्ट्रेंथ लेके ये अप साइड में गया था वो बिल्कुल वीक हो गया है, ठीक है। 100 का ऊपर ये गिरा है, चार्ट का भी इसका मतलब वीक पड़ा है, ठीक है। 7000 का नीचे आज नहीं तो कल ये 7000 का नीचे इसका जाने का प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है। और इधर से 7070 में इसका स्ट्रॉ मतलब 7070 का नीचे जाएगा तो ये 6996 तक इसका मूवमेंट दिखा सकता है। 7109 का नीचे तो नीचे का रेंज था, 7086 का ये पहले आ सकता है, इसके बाद 7070, इसके बाद 7031 में भी एक स्ट्रांग सपोर्ट लेगा 7031 में, उसके बाद ये 6996 में आ सकता है। एनीवे देखते हैं, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए इधर मैंने बोला था कि ये 93 के ऊपर ये ऊपर जाएगा कुछ 120-125 तक, तो ये ऑलरेडी इसका 119 चल रहा है, ठीक है, 119 चल रहा है। इधर ये जो रेजिस्टेंस है इधर से इसको ब्रेक करेगा तो ये 156 तक जा सकता है। मारुति देखिए सेम रेंज पे है, 7106 तक आया था, लेकिन ये थोड़ा सा लोअर रेंज पे ही है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, चार्ट में भी देख सकते हैं, ये लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। इधर से थोड़ा सा अपसेट गया था लेकिन इसका लोअर हाई लोअर लो ही बना के चल रहा है। और बैंक निफ्टी का 200 के ऊपर अभी तक नहीं गया, कुछ 36987 के ऊपर ये, मैं 36041 के ऊपर मैंने बोला था, 36041 के ऊपर ये 165 तक गया है, ठीक है, 165 तक गया है। निफ्टी अभी तक 120 का रेंज पे स्ट्रगल कर रहा है, और इन ये जो इसको बोला था मैंने 156 का ऊपर ये 164-165 तक गया था एसजेक्स निफ्टी। इधर का ये सपोर्ट बहुत ही वाइटल है, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 156 इसका 156 इसका ऊपर ये इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है 195 के ऊपर ये 235 तक जा सकता है। तो हम एसजेक्स सॉरी निफ्टी भी इसके साथ कुछ जा सकता है। निफ्टी देखिए 122 हो गया है, मारुति भी वही चल रहा है 7122-23। मैंने इसी के आसपास से ही मैंने लिया था ट्रेड, पुट बाय किया था, वही लेवल पे थोड़ा सा दिखा रहा है, ठीक है, उसी का लेवल से ही दिखा रहा है। एक्चुअली वीक है थोड़ा सा, निफ्टी के वजह से थोड़ा सा अपसेट जा रहा है, लेकिन मारुति वीक पड़ गया है,
सेम लेवल पे चल रहा है, कुछ हायर लेवल पे ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टॉक ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसमें निफ्टी भी ठीक है। निफ्टी अभी चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 15,124.25, ठीक है, 125.26 चल रहा है, और बैंक निफ्टी 34,164.165 चल रहा है। लेकिन देखिए मारुति इतना मतलब मूवमेंट इसका आ नहीं रहा है, लेकिन काली ही जो दिखा था थोड़ा सा मूवमेंट के लिए मारुति बहुत भाग रहा था, लेकिन आज निफ्टी आप जाने के बावजूद भी मारुति इसका ऊपर भाग नहीं पा रहा है, ठीक है, ये लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए मारुति को चुना है। थोड़ा सा वीक पड़ गया है, इसका स्ट्रेंथ जो था, मोमेंटम जो था, और जिया उसको इसी के साथ वो जितना ऊपर गया जाने का था वो चला गया, ठीक है, इसका टॉप आउट हो चुका है। तो ये अभी इसका मतलब निफ्टी जब भी थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा ये नीचे इसका आने का प्रॉबिलिटी बनेगा। छः हजार आठ सौ में इसका मेन सपोर्ट है, 6,800 का नीचे 6,400 आ सकता है। जो लोग मारुति को ट्रेड कर रहा है वो लोग सेल करने के लिए सोच सकता है फ्यूचर या ऑप्शन। इधर से भी आप लोग को मारुति का चार्ट दिखाता है, इधर से देखिए, इधर से बड़ा वॉल्यूम में इसका नीचे आ रहा है, और छोटा जब ऊपर जा रहा है तो ये छोटा वॉल्यूम में, सॉरी, इधर से देखिए, इधर बड़ा वॉल्यूम में नीचे आया है, जितना नीचे आया बड़ा अपसाइड में भी गया था बड़ा वॉल्यूम के साथ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये देखिए, इधर से ये थोड़ा सा वॉल्यूम लेकर ऊपर गया था, फिर से ये नीचे जा रहा है, देखते हैं। निफ्टी का जो है नेक्स्ट लेवल है 156, 156 का ऊपर जाएगा तो ये 200 का ऊपर जा सकता है, तो लगता नहीं है मेरा इतना ऊपर जा सकता है। अभी ये वर्ल्ड मार्केट के लिए ये ऊपर जा रहा है, और SGX निफ्टी का जो है, SGX निफ्टी 195 इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 195 चला जाएगा तो अभी ये 156 के ऊपर जा सकता है, 170-171 चल रहा है। अभी मारुति भी अभी तक नीचे होल्ड कर रहा है। अच्छा, रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस भी नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक बार 2,130 के ऊपर गया था तो, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 2,132 तक जाके ये टेस्ट करके नीचे आ गया है, 2,025 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बार 2,100 का नीचे आ जाएगा तो 2,085 का नीचे, 2,085 इसका एक्चुअली मेन पिवट पॉइंट है, वाइटल पिवट पॉइंट है, और अपसाइड में इसका 2,144 वाइटल है, ठीक है, और नीचे का सपोर्ट जो है 1,950। तो इसी का हिसाब से मार्केट मूव कर सकता है, ये सब चीज़ आप लोग लाइन में रख सकता है। जो लोग स्टॉक ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में कर सकता है, और मिनिमम 1 लाख आप लोग को इन्वेस्टमेंट रहता है, तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल सर्विस के लिए, तो आप लोगों का अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ। अभी भी नीचे प्ले कर रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है,
लेकिन मारुति अभी भी नीचे प्ले कर रहा है। तीस चल रहा है निफ्टी और एक्सिस निफ्टी गया है 15,168। इसका मारुति का जो मेन सपोर्ट है 7,152-154 ठीक है रेजिस्टेंस, इसका ऊपर जाएगा तो फिर से ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये नीचे का ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है करेगा 7,076, इसके बाद 7,031 और उसका नीचे 6,996। उसका नीचे और भी वो नीचे जा सकता है 6,930, इसका नीचे 6,822, ये सब लेवल है इसका 6,822-2022 का नीचे जाएगा तो ये इससे इसका नेगेटिव ट्रेंड और भी 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट इसका नीचे जा सकता है। निफ्टी टॉप 10 के अंदर जो स्टॉक्स है उसमें स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना इंटरडे या पोजिशनल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और निफ्टी में भी कर सकता है, उसमें हेजिंग करते से करना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, नहीं तो लॉसेस का चांस आ जाता है। निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया 134, मारुति भी थोड़ा सा ऊपर गया है 7,124, वही लेवल पर है, इसका 7,124 जिसके ऊपर जा नहीं पाता है। देखिए जब भी वो 25 टच कर रहा है इससे नीचे आ जाएगा, यह 175 एजिक्स निफ्टी ठीक है, उसका निफ्टी चल रहा है 31,32-31,56 इसका हाई हो सकता है। बैंक निफ्टी 212 तक गया है, बैंक निफ्टी में नेक्स्ट लेवल मैंने 36,041 के ऊपर तो मैंने बोला था 36,041 के ऊपर, ये देखिए 36,041 इसका ये 231 तक जा सकता है ठीक है, फिलहाल 221 तक गया था, इसका 231 के ऊपर 328 ठीक है, ये सब लेवल इसका हो सकता है। निफ्टी में एक 50 पॉइंट मूवमेंट मारुति को बहुत ही नीचे ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का नीचे ले आ सकता है। निफ्टी जो आया था निफ्टी का आप लोगों को दिखाया है 15,064 में इसका सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास एक बार आ जाएगा तो इसका सकता है। अभी थोड़ा सा मारुति में कुछ अप ट्रेंड ले रहा है, 27 तक गया है, ऑप्शन शायद गिर चुका होगा, ऑप्शन में थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है 1560 मतलब मेरा 1575 ठीक है। तो कष्टी है ऑलमोस्ट, नीचे आएगा तो इसका 7,076 तक इंतजार करेंगे, नहीं तो छोटा लॉस में मैंने निकल जाएंगे।
कितना दिखा रहा है, HDFC बैंक भी आप चला गया है और ICICI बैंक को भी दिखा था वो भी आप गया है, ठीक है। 388 इसका मैंने बोला था, ठीक है, नेक्स्ट लेवल हो सकता है 388, तो ये अभी 363 360 चल रहा है। तो देखते हैं मारुति फिर से अब में जा रहा है, हो सकता है मार्केट और भी ऊपर जाएगा, लेकिन 17 तक इसका आया था, देखना पड़ेगा। ये मार्केट अप साइड में जाएगा तो मारुति फिर से अप साइड जा सकता है, नहीं तो डाउन साइड में जा सकता है। मैंने जो इसका प्रीमियम लिया था थोड़ा सा गिर चुका है, ये करेक्ट फिगर, हाँ ये करेक्ट फिगर दिखा रहा है, तो देखते हैं। ये जब 1540 के ऊपर, 7140 के ऊपर गया था तो इसका गया ऊपर गया है, तो इसका इफेक्ट अभी जो नीचे आया है इसका इफेक्ट लेने से इसका थोड़ा सा टाइम इसका ज़रूरत होगा। ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये जाम हो सकता है, और नहीं तो ऊपर चला जाएगा तो ये इससे और भी नीचे आ सकता है, देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पास कर लेता हूँ फिर से दिखाऊंगा। निफ्टी देखिए 15162 के आसपास चला गया है, एक मिनट इसका अपडेट नहीं हुआ है, चलिए 162 में ट्रेड कर रहा है। इधर से जो लगा है मारुति चल रहा है 7115 कुछ चल रहा है, लेकिन उसका ऑप्शन में अभी तक इसका इफेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं आया है अभी तक, और आने से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते हैं। आप लोगों को फिर से बाद में दिखाता हूँ। 5161 चल रहा है, 64 चल रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा अपडेट नहीं हो रहा है, इधर अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में, लेकिन मारुति इधर से थोड़ा सा गिर रहा है। ऑलमोस्ट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट इससे आ गया है, लेकिन जो इस जगह पे ये एक्चुअली था, इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर से एक्चुअली ये 16 का ऊपर था, थोड़ा सा ये नीचे ही आ रहा है, लेकिन इसका अचानक बढ़ सकता है क्योंकि इसका इफेक्ट ऑप्शन में इसका इफेक्ट लेने से टाइम लगता है, और दूर का है और फार OTM का है, तो इसीलिए इसका इफेक्ट लेने से थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये नीचे जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो इसका ये जो बोलिंजर बैंड का है, ये बोलिंजर बैंड का नीचे क्लोजिंग देता था तो ये नीचे आ सकता था, लेकिन फिर से कुछ 20 का आसपास चला गया है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बीस से अपसाइड में चला गया, 117 से 20 से 10.23 पॉइंट चला गया है। देखते हैं, ये इसका फिबोनाची का 50% का लेवल है, इधर से सपोर्ट ले रहा है, इधर से जाके 20 से सपोर्ट ले रहा है, देखना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से पास कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो ये जो नेक्स्ट लेवल था इसका 15256, ठीक है, ये जो लेवल था, ये जो इसका भी ब्रेक करके ऊपर चला गया था, लेकिन सस्टेन कर नहीं कर पाया, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो और मारुति भी, लेकिन मारुति देखिए इतना मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट का बावजूद भी ये नीचे का लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट स्क्वायर अप कर दिया है, तो इसको स्क्वायर अप कर दिया है, तो और इसका मैं एक कॉल पुट का कॉम्बिनेशन मैंने लेके रखा है कल के लिए, तो मार्केट करेक्शन आएगा इसीलिए कॉल को थोड़ा सा एक बड़ा पुट लिया है और छोटा का एक कॉल दिया है, तो देखना पड़ेगा इसका। आप लोग को जरूर दिखाऊंगा प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो इसमें मेरे को जो है ये 14800 भी नहीं जाएगा, 15700 भी, तो फर्स्ट आवर में या कुछ टाइम पे ही मतलब मेरे को स्क्वायर अप करना है, तो इसीलिए वही ध्यान देना पड़ेगा।
मार्केट फर्स्ट आवर में अपसाइड रहेगा या डाउन साइड में रहेगा, कोई 60 डेज रहेगा तो मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा टाइम में ये इसका प्रीमियम नीचे आ जाएगा। तो एनीवे तो दोनों साइड से आप लॉस होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। एनीवे तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।